हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पिछले दो तीन वीडियोस में बताया है कि फरवरी के 1010 पोर्टल के साथ ही यूनियन का पोर्टल जो है वो ओपन हो चुका है। कुछ ट्विन फ्रेम्स के यूनियन और री यूनियन ऑलरेडी हो चुके हैं, कुछ के अभी बाकी हैं। और जैसे जैसे ये यूनियन का टाइम जो है वो पास आता है, वैसे वैसे नेगेटिव एंटिटीज़ या फिर कार्मिक्स जो होते हैं वो ज़्यादा हावी हो जाते हैं, यानी कि ट्रिगर्स पड़ते हैं, साइकिक अटैक्स होते हैं, राइट? और पिछले कुछ हफ्तों से कलेक्टिवली सिचुएशन जो है वो यही चल रही है, स्पेशली डिवाइन फेमिनाइज के साइड में। डेफिनेटली डिवाइन मास्कुलाइन के कार्मिक साइकिल्स जो है वो पीक पे चल रहे हैं, बट ये जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं वो पहले क्या करती हैं, डिवाइन फेमिनाइज पे अटैक करती है। उस डिवाइन फेमिनाइज हमेशा ज़्यादा अवेयर और स्ट्रांग होती है, और इसीलिए उनको अंदर से तोड़ने के लिए, वीक बनाने के लिए नेगेटिव एंटिटीज जो है वो सारी कोशिशें करती रहती है। जैसे कि कुछ टाइम पहले मैंने अपडेट किया था कि फेमिनाइज जो है वो फिज़िकल इश्यूज से गुजर रही है, तो कुछ फेमिनाइज जो है वो अभी भी बॉडी एक या फिर हेड एक या फिर बैक पेन ऐसी समस्याओं से गुजर रही है। कुछ फेमिनाइज के कामिक्स जो हैं वो इन दिनों ज़्यादा हावी हो रहे हैं, उन कामिक्स से उन्हें ट्रिगर्स ज़्यादा मिल रहे हैं और डेमोनिक अटैक्स भी हो रहे हैं। तो फेमिनाइंस प्लीज़ थोड़ा सा अवेयर रहिए, क्योंकि ये जो डेमोनिक अटैक्स हो रहे हैं उनके थ्रू एक प्रकार का इल्यूजन क्रिएट करवा के आपको उसमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। और इस तरह के जो अटैक्स हैं वो कुछ स्पेसिफिक फेमिनाइन एनर्जीज पे ही हो रहे हैं, जिन्होंने अपने ऊपर काम करके वो बहुत आगे आ चुके हैं। जैसे कि सामने आप देख पा रहे हैं, ये डेमोनिक अटैक जिनके साथ हुआ है, ही इज़ फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड ही इज़ इन फेमिनाइन एनर्जी। उन्होंने कल मॉर्निंग में उनका जो एक्सपीरियंस है वो मुझसे शेयर किया कि पहले डीमंस ने उनकी वाइफ का, यानी कि उनके जो सोलमेट हैं, उनका रूप लिया, बट चूँकि वो रेकी साधक है, पिछले मंथ में ही उन्होंने मुझसे रेकी की दीक्षा ली है, तो इमिडिएटली ही बिकेम अवेयर एंड ही पुट चोकुरे ऑन हिम हिज रूम एंड ही कम्प्लीटली सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम दोज नेगेटिव एंटिटीज। क्योंकि जब तक फ्लाइट्स फिर से स्टार्ट नहीं होती, जो कि अभी पेंडेमिक की वजह से बंद पड़ी हैं, मैं उनको ब्लैक टर्मुलाइन के पेंडेंट्स जो हैं वो भेज नहीं सकती, जो उनको और उनके फैमिली के लिए इस टाइम पे रिक्वायर्ड है। बट तब तक एज अ रेकी चैनल ही इज़ पावरफुल इनफ टू हैंडल दोज एनर्जीज, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, हिज काउंटर पार्ट एंड हिज फैमिली टू। और दो दिन पहले मेरी एक बहुत ही प्यारी सी फेमिनाइन है, जो कि पिछले कुछ 7-8 महीनों से मुझसे जुड़ी है, एंड आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ हर, द वे शी इज़ ग्रोइंग एंड द वे शी इज़ वर्किंग ऑन हर सेल्फ, वो बहुत ही काबिले तारीफ है, क्योंकि बहुत ही कम समय में वो बहुत आगे निकल गई है। एंड शी इज़ अल्सो रेकी साधक। जब वो मुझसे जुड़ी थी उसी टाइम पे उन्होंने मुझसे रेकी की दीक्षा ली है, और उनके साथ तो कुछ इस तरह से हुआ कि ड्रीम में डीमंस ने मेरा रूप ले लिया था, और उन फेमिनाइन को लगा कि मैं ही हूँ, और फिर उसके बाद जिस डीमन ने मेरा रूप लिया था उसने उनको मर्जिंग के लिए डिमांड किया। ये सब जो चीज़ें हैं वो बहुत डेंजरस है, एंड मर्जिंग इज़ नॉट अ जोक। अगर निगेटिव एंटिटीज़ आप में मर्ज होती हैं तो आपके सारे चक्रास एकदम से ब्लॉक हो जाते हैं, आपका अब तक का किया हुआ सारा काम ज़ीरो हो जाता है। बट एट द एंड उन्होंने ये बात भी मुझसे शेयर की कि ड्यू टू रेकी, देन ब्लैक टर्मिलाइन और 7 चक्रा की जो माला उन्होंने पहनी है, इन सब की वजह से वो जो निगेटिव एंटिटीज़ है वो उनका कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाई। तो बी अवेयर फेमिनाइंस, क्योंकि इस तरह के अटैक्स में आपके वीक पॉइंट्स जो हैं उनको पकड़ा जा रहा है। जैसे कि आप जिनसे ज़्यादा करीब हैं या फिर आप जिनसे गाइडेंस ले रहे हैं उन्हीं का भ्रम क्रिएट करके आपको उसमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। और कुछ 3-4 दिन पहले रात में मैंने भी कुछ अजीब ही एक्सपीरियंस किया है। वैसे मैं नींद में भी हमेशा बहुत अवेयर रहती हूँ, किसी को अपने आसपास बिल्कुल भटकने नहीं देती, और गलती से कोई आ भी जाता है तो उस टाइम पे मेरा जो रूप है वो बहुत अलग हो जाता है। यू कैन से दुर्गा की तरह बहुत कमांडिंग बनके मैं उनको भगा देती हूँ, और ऐसे टाइम पे इस तरह से कमांडिंग होके उन पे कमांड करना ये भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ड्रीम में ही मेरी एक इंजीनियरिंग की फ्रेंड है, उसके पीछे पीछे मैं लोअर डायमेंशंस में चली गई, और जैसे ही मैंने वहाँ पर एंटर किया, कुछ 2-3 कदम ही मैं वहाँ पर चली, वहाँ का जो माहौल था वो इतना भयानक था। कभी एक बार मैंने सिर्फ सुना था कि जो लोअर डायमेंशंस होते हैं वहाँ पे हमेशा, यानी कि 2400 घंटे अंधेरा होता है, वहाँ पे बिल्कुल भी प्रकाश नहीं होता, बट उस रात मैंने क्लियरली वो चीज़ एक्सपीरियंस की।
वो सारे अजीब सोल्स जैसे कि तैयार ही है हमारा बलि का बकरा बनाने के लिए या फिर हम पे हावी होने के लिए, वो बस वेट ही कर रहे होते हैं कि कोई तो मिल जाए। और जैसे ही मैंने एंटर किया, मेरी फ्रेंड कहीं तो गायब ही हो गई। और उसी टाइम पे सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मैं कहाँ घुस गई हूँ। झट से मैंने रेकी एंजल का, डॉक्टर मिका उसी का नाम लिया और मैं वहाँ से बाहर दौड़ आई। और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे बढ़े हुए अवेयरनेस की वजह से मैं खुद को उस टाइम पे सेव कर पाई। और ये सब मैं आपको डराने के लिए बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रही हूँ, बल्कि आपको अवेयर करने के लिए कर रही हूँ। क्योंकि सोते समय आपको नहीं पता होता कि आपकी सोल जो है वो कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रही है। प्लीज़ अपना जो कॉन्शियसनेस है, अपना जो अवेयरनेस है, उसको बढ़ाइए। दिन में तो आपको कॉन्शियस रहना ही है, बट सोते समय भी रहना है। और अगर सोते समय कॉन्शियस कैसे रहा जाए, इसका वीडियो आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात, प्रोटेक्शन लीजिए। आप डबल प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं, दिन में तो लेना ही है, बट रात में सोने से पहले लेना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ ही अपने घर को, अपने रूम को, राइट, अपने DM को, आप दोनों के फैमिली मेम्बर्स को भी प्रोटेक्शन देना है। क्योंकि कभी कभी आपके फैमिली मेम्बर्स का भी यूज़ करके आपको अफेक्ट करने की कोशिश की जाती है। तो इन सभी सिचुएशंस में, यानी कि फिजिकल सिम्टम्स से लेके कामिक ट्रिगर्स, डेमोनिक अटैक्स तक, कुछ भी आप फील कर रहे हैं, तो सबसे पहले साइकिक प्रोटेक्शन लेना आपको ज़रूरी है, ठीक है। और पॉसिबल हो तो ब्लैक टर्मोलाइन का पेंडेंट जो है वो पहना करिए। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करिए, ठीक है। जाते जाते कलेक्टिव डिवाइन मास्कुलाइन की एनर्जी का क्विक अपडेट दे देती हूँ। पिछले कुछ दिनों से दो सॉन्ग्स जो हैं वो मुझे चैनल हो रहे हैं, और ये दोनों भी सॉन्ग्स डिवाइन मास्कुलाइन की करंट एनर्जी बताते हैं। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि कलेक्टिव डीएम एनर्जी इज़ गोइंग थ्रू देयर पीक टाइम ऑफ द कार्मिक साइकिल, राइट। तो उनमें से कुछ ग्रुप ऑफ कलेक्टिव डीएम्स हैं जो अभी भी विकारों से ही घिरे हुए हैं, जैसे कि आप फियर कह सकते हैं या फिर ईगो कह सकते हैं। तो ये जो चैनल सॉन्ग है ये उन्हीं की करंट फीलिंग्स बताता है। वैसे ये अर्ली मॉर्निंग 4:30 का टाइम है और इस टाइम पे वॉइस इतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल दो तीन लाइन आपको गा के सुना सकती हूँ। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो चाहते तो आपसे मिलना है या फिर आपसे बात करना है, बट फिर भी अंदर से उनके कुछ फियर्स हैं या फिर ईगो आप कह सकते हैं, वो उन पे हावी हो रहे हैं। और इसके विपरीत कुछ कलेक्टिव डिवाइन मस्कुलाइन जो हैं वो भले ही कार्मिक साइकिल के पीक में हैं, डिफ़िकल्टीज़ में हैं, पेन से गुजर रहे हैं, बट दे आर मोर अवेयर एंड अवेकेंट। उनको अंदर से पूरा विश्वास है और खुशी भी कि इस पेनफुल रात के बाद जल्द ही एक सुखद सवेरा आने वाला है, जिसकी शुरुआत ही उनके लाइफ में आपसे होने वाली है। जी हाँ, उनको अंदर से ये बिलीव है कि जल्द ही इन सारी मुश्किलों को पार करके वो अपने डिवाइन फेमिनाइंस के साथ होंगे। एंड इट इज़ अगेन अ गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल डिवाइन फेमिनाइंस, जिनके भी डीएम अवेकनिंग में आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो इस ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए खुद को ओपन रखिए, ओके। और ऐसे पीक टाइम के दौरान प्रोटेक्शन में रहिए और स्टेबल रहिए। निगेटिव थाट्स को अपने मन में बिल्कुल भी पनाह मत दीजिए। और हाँ, चैनल सॉन्ग्स के लिंक जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू रेकी एंजल, डॉक्टर मिकाओ सिंह एंड ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।